कोल्हान में चंपाई सोरेन के नाम से जेएमएम की पहचान होता था। अच्छा। चंपाई सोरेन जी जहाँ रहेंगे हम लोग भी वहाँ रहेंगे। ये टाइगर की तस्वीर लेकर क्यों आए? इसलिए आए, आज हमारा पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड टाइगर, जिसे कोल्हान टाइगर के नाम से भी जानते हैं, चंपाई सोरेन जी का आगमन हो रहा है, उन्हीं के स्वागत के लिए हम लोग आए हैं। यदि दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का हम लोग सम्मान करते हैं, उनके बाद यदि कोई गुरु है हमारा तो चंपाई सोरेन जी है। हमारा दूसरा शिबू सोरेन चंपाई सोरेन जी है। हाँ, झारखंड टाइगर होंगे अभी तो, अगर वैसा स्थिति माने हाई भी। कोल्हान में क्या जेएमएम को नुकसान होगा इनके इधर आ जाने से? हाँ, वो हो भी सकता है, होगा, हो भी सकता है, एकदम होगा। चंपाई सोरेन थोड़ी देर में दिल्ली से रांची पहुंचने वाले हैं, और उससे पहले जमशेदपुर से 100 से अधिक गाड़ी पर सवार होकर उनके चाहने वाले उनका स्वागत करने के लिए रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। कुछ लोग देखिए, कुछ खास तस्वीर लेकर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट के बाहर ये लेकर खड़े हैं, जिस पर लिखा है झारखंड टाइगर, जोहार झारखंड टाइगर, और टाइगर की तस्वीर है। कौन टाइगर है? चंपाई सोरेन। अच्छा, कोल्हान टाइगर। कोल्हान टाइगर, झारखंड टाइगर हो गए। हाँ, झारखंड टाइगर होंगे अभी तो, अगर वैसा स्थिति माने हाई भी। हाँ ना, लेकिन हम लोग कोल्हान टाइगर भी बोलते हैं और झारखंड टाइगर भी बोलते हैं। तो ये बीजेपी में जाने के बाद, अब तो जाएंगे ही, अब तो साफ हो गया कि 30 तारीख को शामिल हो जाएंगे, आपको लगता है कि फायदा होगा? हाँ, वो पुराना लीडर है, बहुत अनुभवी है। हाँ। और झारखंड को बनाने और संवारने में भी उनका बहुत भूमिका रहा है, इसलिए उनका निर्णय सही होगा। हाँ। आशा करते हैं सही होना चाहिए। कोल्हान में क्या जेएमएम को नुकसान होगा इनके इधर आ जाने से? हाँ, वो हो भी सकता है, होगा, हो भी सकता है, एकदम होगा। क्या नाम है आपका? शंकर मुंडा, मैं पोटका विधानसभा क्षेत्र से। तो ये टाइगर की तस्वीर लेकर क्यों आए? इसलिए आए, आज हमारा पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड टाइगर, जिसे कोल्हान टाइगर के नाम से भी जानते हैं, चंपाई सोरेन जी का आगमन हो रहा है, उन्हीं के स्वागत के लिए हम लोग आए हैं। क्या बोलेंगे चंपाई दा, जिस तरह से जेएमएम में थे, मुख्यमंत्री बने, अब दिल्ली गए, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं आज झारखंड टाइगर जब मुख्यमंत्री बना, उनका 5 महीने का कार्यकाल बहुत अच्छा था। वे हर गरीब दुबके युवाओं का रोजगार के लिए, युवाओं को नौकरी के लिए, हर समाज के वर्ग के लिए सोच रहे थे। उनको 3 महीने का हर कार्यकाल विधानसभा चुनाव का था, उनको रहने देना चाहिए था, उनके साथ गलत हुआ। हम नहीं बोल रहे, पूरा झारखंड की जनता उनके साथ है, वो बोल रही है कि 3 महीना और रहने देने से क्या जाता, क्योंकि वो तो काम कर रहे थे। ऐसा बात नहीं कि चंपाई सोरेन जी, आज जो झारखंड में मैया योजना हो रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारे चंपाई सोरेन का देन है। आज झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री चंपाई सोरेन का देन है। के लोग तो बोलते हैं कि हेमंत सोरेन जी जेल में बैठकर इस योजना के बारे में सोचे हैं। अब देखिए, वो क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, हम लोग का तो यही ये है, जब कैबिनेट में जो पास हुआ है वो तो चंपाई सोरेन जी का है, उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुआ है। आप कहाँ से आए? मैं पुटका विधानसभा क्षेत्र से। पुटका से जी। तो आप लोग पहले जेएमएम में थे? जी, जेएमएम में थे, मैं प्रखंड उपाध्यक्ष भी रहा हूँ और पुटका विधायक संजीव सदा जी का विधायक प्रतिनिधि भी रहा हूँ। अभी हैं? अभी छोड़ दिए हैं, हम लोग टाइगर के साथ है। अब बीजेपी में आ गए? जी, टाइगर हम लोग का, टाइगर कोल्हान में चंपाई सोरेन के नाम से जेएमएम की पहचान होता था। अच्छा। चंपाई सोरेन जी जहाँ रहेंगे हम लोग भी वहाँ रहेंगे। हाँ, ऐसा है। जी 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 जी, पूरा जनता रहेगा, पूरा झारखंड रहेगा। लेकिन गुरु जी के बाद यदि दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का हम लोग सम्मान करते हैं, उनके बाद यदि कोई गुरु है हमारा तो चंपाई सोरेन जी है। हमारा दूसरा शिबू सोरेन चंपाई सोरेन जी है। हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन जी है, उनका भी सम्मान करते हैं। कहीं ना कहीं उनको 3 महीना और देना चाहिए था, सीनियर लीडर है, उनको भतीजा बोलता है, कहीं ना कहीं वो अच्छा काम भी कर रहे थे। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि जेएमएम के तरफ से ये इनको मुख्यमंत्री बनाया गया और अंदर अंदर बीजेपी से मिले हुए थे। हेमंता विश्व शर्मा भी तो बोल दिए ना कि 5-6 महीना से चंपाई जी से बातचीत हो रही थी मेरी। देखिए, ये क्या सच्चाई ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, हमारे सीनियर ही बता सकता है। हाँ। लेकिन उनका कार्यकाल है, उनका कार्यकाल से कुछ जेएमएम के और उन गठबंधन के नेताओं को अभी पेट में दर्द हो रहा था, क्योंकि उनका काम अच्छा हो रहा था और उनका गलत काम चंपाई सोरेन जी नहीं कर रहे थे। हाँ। वे सब मिल के षड्यंत्र के तहत उनको हटाया है। अच्छा। अब हटा तो दिया है, अब तो जनता उनके साथ है, तो अब कुछ लोगों को मौका नहीं मिल रहा, तो झूठा आरोप लगा रहे हैं। अब कुछ तो चुनाव अभी सामने है, कुछ तो आरोप लगाएंगे तब ना जनता के बीच में जाएंगे। अब यही सच्चाई है। मतलब आप लोग जिधर चंपाई दा उधर आप। हाँ। इधर झारखंड चंपाई सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद कोल्हान टाइगर, चंपाई सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बोला है एकदम, मतलब नायक मूवी का अनिल कपूर की तरह। अभी चंपाई सोरेन जी को यहाँ पे, मतलब हमारे झारखंड वासी और हमारे कोल्हान वासी सब देखना चाहते हैं एक बार मुख्यमंत्री के रूप में।
और उनका काफी लोकप्रियता है उस क्षेत्र में, मतलब उसको मैं बोल के बयान ही कर सकता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय झारखंड को संवारने के लिए चंपई सोरेन जी बहुत ही अच्छा निर्णय अभी लिए हैं और अच्छे कदम उठाएंगे। बीजेपी पर भी भरोसा है कि उनको आगे और बड़ा पद मिलेगा? अब देखिए, मतलब भरोसा तो अभी करना ही है, ठीक है, और उसके बाद हमें तो अपने लीडर पे पूरा भरोसा है और झारखंड जीतेंगे भी। और हमारा मतलब ये है कि अनुमान है और सरकार भी बनेगी और आने वाले समय मुख्यमंत्री भी बनेंगे, चंपई का मुख्यमंत्री बनेंगे, एकदम बेसर हो गई है ऊपर, उतना हमें नहीं पता, लेकिन ये हमारा मानना है, करते हैं हम लोग उसका मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। जी जी, आप कहाँ से आए हैं? हम पोटका विधानसभा से आए हैं। आपको एकदम चंपईदा का बेटा की तरह बाबूलाल की हम उनके चंपईदा का बेटा का हम बहुत बड़े प्रशंसक है, अच्छा। बड़े भाई की तरह मानते हैं उनको, तो वो भी लड़ेंगे क्या चुनाव? हाँ, लड़ना चाहिए। लड़ना से घाटशिला से सुन रहे हैं? नहीं, उतना तो हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन लड़ना चाहिए। और हम लोग दादा जहाँ से भी लड़े हम लोग उनके साथ में है, एकदम। और चंपई जी, हम लोग जेएमएम छोड़ दिए? बिल्कुल आज के बाद आज देखेंगे, दादा से बात करेंगे, दादा से बात करेंगे, उसके बाद वो जो निर्णय लेगा हम लोग सब जाएंगे उसके साथ। दादा से कुछ कहेंगे कि आप पुनर्विचार कीजिए, सोचिए ऐसा? हाँ, हमारा तो उतना ये नहीं बनता है कि उनको एक दिशा या कुछ जो निर्णय लिए थे उनका निर्णय लेगा, वो जो निर्णय लेंगे सब सही होगा। क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम कुछ नहीं बोले, बस अब सारे जितने झारखंड जनता है सभी लोग एक बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं माननीय चंपा जी को। और हमको मालूम है कि वो आएंगे तो पूरे विकास होगा, हमारा झारखंड का पूरा विकास होगा। बस बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। द followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in।